हेलो एवरीवन, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स एंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन दीज। तो सबसे पहले जो इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं वो बेसिकली थ्री टाइप के होते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो इट इज बेसिकली रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, अगर ये आपको नहीं पता है तो आप मेरा लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 देखकर आइए तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। नहीं तो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सपोज कीजिए ये एक सिलिंड्रिकल रॉड है और इस रॉड पर बेसिकली क्या किया आपने, एक्सिस के अलोंग एक टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया है। एक्सिस के सेंट्रल एक्सिस के अलोंग आपने एक टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया है। इस फोर्स की एप्लीकेशन की वजह से क्या होगा, इसकी लेंथ बढ़ेगी और डायमीटर डिक्रीज होगा। जैसा कि हम जानते हैं स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या होता है ये, बेसिकली इट इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन। थर्ड हमारा इलास्टिक कांस्टेंट है बल्क मॉडुलस। क्या होता है बल्क मॉडुलस, सपोज कीजिए कोई बॉडी है और इस पर आपने तीनों डायरेक्शन से नॉर्मल फोर्स लगाया है तो इस बॉडी के बेसिकली क्या होगा, वॉल्यूम में चेंज होगा। आप देख सकते हैं इनिशियली वॉल्यूम इसका लार्ज है और आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्सेस इसका क्या हो गया है, वॉल्यूम कम हो गया है। अगर प्रॉब्लम में ऐसा हो रहा है कि जो बॉडी है उसका वॉल्यूम कम हो रहा है तब हमारे लिए बल्क मॉडुलस इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बल्क मॉडुलस क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इन तीनों इलास्टिक कांस्टेंट्स के बीच में ये रिलेशन होता है, E इज इक्वल्स टू 2g1 प्लस म्यू एंड E इज इक्वल्स टू 3k1 माइनस 2 म्यू। तो बेसिकली इनके बीच का जो रिलेशन है वो डेवलप करेंगे हम सेपरेट लेक्चर में, तो आज फटाफट एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो इन इलास्टिक कांस्टेंट्स के बारे में। ए बार ऑफ 25 mm डायमीटर इज सब्जेक्टेड टू अ पुल ऑफ 40 kN। तो ये एक बार है, सिलिंड्रिकल बार है, ठीक है, इसका जो डायमीटर है 25 mm है और इसकी एक्सिस पे एक पुल लगाया गया है जो है 40 kN। आगे बोल रहा है द मेजर्ड एक्सटेंशन ऑन द गेज लेंथ ऑफ 200 mm इज 0.085 mm। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि ये जो बार है इसकी जो लेंथ है, इनिशियल लेंथ है इसकी 200 mm और इसकी जो लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ है वो हुआ है 0.085 mm। आगे बोल रहा है एंड द चेंज इन डायमीटर इज 0.003 mm और जो इसका जो डायमीटर में जो चेंज आया है वो बेसिकली है 0.003 mm। कैलकुलेट द पॉइजन्स रेशियो, यंग्स मॉडुलस, शियर मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस। तो सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को। तो सबसे पहले हमको निकालना है पॉइजन्स रेशियो। जैसा कि हम जानते हैं क्या होता है पॉइजन्स रेशियो, तो पॉइजन्स रेशियो बेसिकली रेशियो होता है लैटरल या फिर ट्रांसवर्स स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या होता है लैटरल स्ट्रेन, तो स्ट्रेन इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड लोड। आपने इस बार पे जो लोड लगाया है वो लगाया है एक्सिस की अलोंग, तो इस एक्सिस की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्ट्रेन हो रहा है उसको हम बोलेंगे लैटरल स्ट्रेन। तो यहाँ पर डायमीटर में जो चेंज है वह है आपका लैटरल स्ट्रेन। तो एप्सिलॉन टी से डिनोट करते हैं हम ट्रांसवर्स या फिर लैटरल स्ट्रेन को, तो ये होगा आपका डेल्टा डी बाय डी। जैसा कि हम जानते हैं चेंज इन डायमीटर है आपका 0.003 और जो इनिशियल डायमीटर था वो था आपका 25 mm। सॉल्व करेंगे तो आपका ट्रांसवर्स स्ट्रेन आएगा 1.2 × 10⁻⁴। अब निकालते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ द अपराइट लोड। तो आपने लोड लगाया है लेंथ के अलोंग, तो लेंथ में जो चेंज है इस बार की वो आपका कहलाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हियर इज
द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। तो लेंथ में जो चेंज आया है इस बार की वो है 0.085 mm, और जो ओरिजिनल लेंथ है इस बार की वो है 200 mm। इनको सॉल्व कर लेंगे और हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा 4.25 इनटू 10 टू द पावर -4, और इसका जो रेशियो निकालेंगे तो उसके बाद जो हमारा पॉइजन रेशियो आएगा वो आएगा अराउंड 0.29। अब आगे डिस्कस करते हैं हमको निकालना है यंग्स मॉडुलस। तो कैसे निकालेंगे यंग्स मॉडुलस? जैसा कि हमको पता है यंग्स मॉडुलस क्या होता है, इट इज रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस कैसे निकालते हैं? जैसा कि हमको पता है नॉर्मल स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, इट इज अ रेशियो ऑफ अपराइट लोड टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बार, पी इज बेसिकली टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी, जो किसके इक्वल होता है, जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड किया गया है। तो एक्सटर्नल फोर्स जो हमने इस बॉडी पे अप्लाई किया है वो है 40 किलो न्यूटन। तो 40 × 10⁻³, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस बॉडी का वो क्या होगा, π/4 × d², और डायमीटर है आपका 25 mm। सॉल्व करेंगे तो आपका जो स्ट्रेस आएगा वो आप सॉल्व कर लीजिएगा, वैल्यू मैंने नहीं लिखी है आपके लिए छोड़ दिया है, था वो था आपका 4.25 × 10⁻⁴। इनका जब हम रेशियो निकाल देंगे, सिग्मा की वैल्यू जो हमने यहाँ से कैलकुलेट की और एप्सिलॉन एल की वैल्यू जो हमने यहाँ से कैलकुलेट की, सॉल्व करने के बाद जो आपका यंग्स मॉडुलस है ई की वैल्यू आएगी 1.917 × 10⁵ न्यूटन पर mm². आगे सॉल्व करते हैं, हमको निकालना है शियर मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। जैसा कि हम जानते हैं यंग्स मॉडुलस और शियर मॉडुलस के बीच में जो रिलेशन है वो होता है E = 2g1 + μ। हमको म्यू पता है 0.29, हमको ये पता है 1.917 × 10⁵ न्यूटन पर mm². तो इस इक्वेशन में केवल एक ही अननोन है जो है हमारा g, g एंड g। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और निकालेंगे g, जो आपका होगा 0.748 × 10⁵ न्यूटन पर mm². तो यहाँ पर हमने निकाल लिया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब हमको केवल निकालना है बल्क मॉडुलस। तो जैसा कि हम जानते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड बल्क मॉडुलस के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है E = 3k1 − 2μ। म्यू हमको ऑलरेडी पता है 0.29, ई हमको ऑलरेडी पता है 1.917 × 10⁵ एंड ओनली अननोन इज के, एंड सॉल्व करेंगे तो हमको के मिलेगा 1.468 × 10⁵ न्यूटन पर mm². तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 का जो पार्ट बी है SFD एंड BMD, तो उसका जो इंट्रोडक्शन है व्हाट इज बी। तो थैंक यू एवरीवन।